किधर बैठा है? वो बैठा है। ओके नाइस। हाँ नहीं, वो डियर है ना, दूसरे डियर को डियर कर रहे हैं, सब अलर्ट हो जाए, भाग जाए, जो देख रहा ना उसको तो मालूम है। ये क्या छुपके पकड़ता है, ऐसे सामने से नहीं पकड़ता। वो सांबर आ रहा, सांबर सांबर डियर आ रहा है, दिख रहा ना। स्वागत है आप सभी का रणथंभौर की एक और सफारी ब्लॉग में। इस सीरीज की ये पांचवी वीडियो है और पहली चार वीडियोस अगर नहीं देखी तो जरूर देख लें। हमारी आज की ये सफारी है जोन नंबर 4 की, पर जोन के एंट्री गेट पे पहुंचने से पहले ही हमें लंगूर की अलार्म कॉल सुनाई देने लगी। लेपर्ड होगा फिर तो, हाँ लेपर्ड होगा फिर। वो बैठा ना लेपर्ड, बैठा लग तो रहा है। कॉल आ रही है अंदर से, पहले मंकी का आया था, सामर से भी आया अंदर से। सुल्तान आ जाती है इस एरिया में, सुल्तान नाम की टाइगर्स भी आ जाती है। एक नंबर जोन पे उसने टिकट ली, ये रोड मेन रोड में भी आती है कभी, दूर अंदर ही और भैया सुल्ताना फोर्ट रोड के पास कई बार अपने बच्चों के साथ दिखी है, पर हमने सोचा पहले जोन 4 चलते हैं, यहाँ वापसी में चांस ले लेंगे। यहाँ पर टू टाइप के डियर है, सामर डियर, स्पॉटेड डियर, टू टाइप के एंटीलोप है, नीलगार, इंडियन गजर, इसके अलावा हाइना, बुलेर, जैकल्स, वाइल्ड बूल, 300 स्पीशीज बर्ड्स, रेप्टाइल, 6 टाइप की गेट फैमिली बुक करती है, टाइगर, लेपर्ड्स, कैरिकल, जंगल के हस्टिंग, स्पॉटेड डियर और फिशिंग इंक्लूडेड पार्क। बट सबसे ज़्यादा सामर डियर, स्पॉटेड डियर दिखते हैं, बाकी बहुत सारे नॉक्टर्नल्स भी हैं रात में। टाइगर हर सफारी में देखना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि टाइगर सोलिटरी एनिमल है और फिर टोटल हम कोशिश करेंगे, हार्ड कोशिश करेंगे आपके लिए। देखते ही देखते हम जोन नंबर 4 के एंट्री गेट पे पहुंच गए। जानकारी के लिए ये बता दूं कि रणथंभौर में जोन 3 और 4 एकदम प्रीमियम जोन्स हैं और इनकी बुकिंग आपको बहुत एडवांस में करानी होती है, वरना ये जोन्स बुकिंग खुलते ही फुल हो जाते हैं। इधर उधर बहुत देर तक सब गाड़ियों ने ढूंढा, पर टाइगर तो क्या, टाइगर के पंजे भी हाथ नहीं लगे। जंगल इतना सूखा हुआ था कि ज्यादा जानवर भी नहीं दिखाई दे रहे थे, पर थोड़ा आगे बढ़े तो पानी में हमें मरा हुआ सांबर डियर मिला जिसको मगरमच्छ खा रहे थे। मरी हुई है, खा रहा है। हाँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सांबर हिरन पानी में मरे हुए थे। गौर से देखेंगे तो आपको क्रोकोडाइल भी दिखाई देगा। देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सांबर हिरन का शिकार इन क्रोकोडाइल ने किया है, पर फिर एक साथ तीन तीन कैसे मर गए? आपको क्या लगता है ये सांबर हिरन कैसे मरे होंगे, नीचे कमेंट्स में बताइए। मगरमच्छ और सांबर डियर से आगे बढ़े तो फीमेल टाइग्रेस के फ्रेश फुटप्रिंट मिले और गाइड ने बताया कि ये शक्ति के फीमेल कब की टेरिटरी है। वेटिंग टू वार्निंग कॉल, उधर पानी का पॉइंट है, पीकॉक डांस कर रहा है ना वहाँ पर, लेकिन वहाँ डियर घूम रहे हैं पानी पे, टाइगर के फुटप्रिंट पीछे गए हैं,
चलता है, चलते पीछे रुक रहे हैं। गाइड को पूरी उम्मीद थी कि टाइगर आसपास ही कहीं है और वो अपने सीट पे खड़े होके पूरा एरिया स्कैन कर रहे थे। रणथंभौर के सूखे टेरेन में कई बार टाइगर इतना अच्छा कैमोफ्लाज होता है कि देख के बताना बड़ा मुश्किल होता है कि टाइगर है कहाँ। पंजे जा रहे हैं नॉनस्टॉप। सामने खड़ी भी एक गाड़ी। किधर बैठा है? वो बैठा है। ओके नाइस। हाँ ये बैठा टाइगर। नाइस जिसे ढूंढा गली गली वो जंगल में शान से बैठी मिली। शक्ति नाम की टाइगरस की फीमेल बच्ची हमें हमारी जीप से कुछ ही मीटर की दूरी पे मिल गई। और खास बात ये थी कि आसपास ज्यादा गाड़ियां भी नहीं थी तो इसको डिस्टरबेंस नहीं हुआ। फीमेल 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 के छोटे पंजे होते हैं, मेल के बड़े होते हैं। अभी अभी गई है ये, है ना? अभी अभी पंजे पूरे फॉलो किए ना तो अपना फायदा हो गया। कितना उम्र है इसका? नंबर एज पूछ रहे हैं। एज इसकी चार साढ़े चार साल की करीबन। नहीं वो डियर है ना, दूसरे डियर को डियर कर रहे हैं, सब अलर्ट हो जाए भाग जाए। जो देख रहा ना उसको तो मालूम है, लेकिन जैसे वार्निंग कॉल देगा ना तो इसको भी मालूम पड़ जाता है। इसको दिख गया मैं तो ज़्यादा पकड़ने की कोशिश नहीं करता। ये क्या छुपके पकड़ता है, ऐसे सामने से नहीं पकड़ता। ये कृष्णा की बेटी वो है ना शक्ति? हाँ शक्ति। और ये शक्ति इसलिए ओके। कृष्णा भी मर गई है? हाँ कृष्णा इस साल मर गई है। तो अभी कितने बताते हैं यहाँ पे? कितने टोटल? तो 70+ बताते हैं जो टाइगर रिजर्व एरिया में, बाकी जो 20% का जो एरिया खोल रखा है उसमें 20-25 टाइगर का एरिया होता है। टाइगर एक जोन से दूसरी जोन पर भी जाता है, तो टाइगर तो कोई टेरिटरी बना के रहता है। टाइगर के समझ में नहीं आता जोन उन का ना। फीमेल टाइग्रेस का 20-25 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी होती है, एक मेल की होती है 40-50 स्क्वायर किलोमीटर तक। उसमें वो कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं किल कर लेगा ये। पर दूसरा नहीं होगा वहाँ पे एक टेरिटरी तो फिर अपनी मेल फीमेल की शेयरिंग में टेरिटरी होती है। मेल मेल की अलग होती है, फीमेल फीमेल की अलग होती है। एक बार कोई उठ के खड़ी हुई तो इसका पिचका हुआ पेट दिखा और देखते ही समझ आ गया कि ये भूखी है। एक टाइगर जब पेट भर के खा लेता है तब आराम से सोता है, लेकिन जब वो भूखा होता है तो उसका ध्यान इधर उधर लगा रहता है। ये भी भूखी थी और इसी वजह से बार बार इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक इसके सामने सांबर हिरन आया और इसकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। डियर आ गए, स्टॉकिंग पोजीशन में आ गए। शिकार शिकार के लिए कैसे कर? हाँ शिकार के लिए कर रही है। इधर ही आ रहा है क्या डियर? आ रहा है। हम देखो ना, ठीक है ना, ये ग्रुप है डियर का।
ओए सांबर आ रहा है, सांबर सांबर डियर आ रहा है, दिख रहा ना। अच्छा हाँ, इसीलिए ऐसे हो रही है। कि फ्लैश कौन मार रहा है उस पे? टूरिस्ट लोग। किसकी आवाज़ है? सामर डियर, स्पॉटेड डियर दोनों ही दे रहे हैं मुझे। क्या पता है उसको देख के दे रहे हैं। ठीक ना, सेंटर वाले तो ठीक ना चल रहे हैं। सेंटर में तो यही शोर शराबा के। इनके पीछे नहीं है वाइट वाइट, ये वाइट आइज द स्पॉट होते हैं। स्पॉट है पे क्या है? अगर ये टॉल ग्रास में चलती है ना तो जो वाइट वाइट वो दिखते हैं ना, तो बच्चे पहचान जाते कि माँ इधर जा रही है। शक्ति के चार बच्चे थे ना? हाँ? चार बच्चे थे शक्ति के? तीन, तीन थे। तो कितने दो मेल है, ये तीन। तो मेल तो निकल गए, वो नहीं दिखते ना? मेल, मेल नहीं दिखते, यही दिखती है मेल। नॉन टूरिज्म एरिया में निकल गए। इसका हस्बैंड है 121 121। किसका? इसका 121 पार्टनर। 120 121 21। अच्छा 121 को ही तो देखा है मैंने परसों। अच्छा। बहुत बड़ा है ये टाइग्रेस की आंखें बहुत ज्यादा सुंदर थी। जिस तरह से इसने हमें देखा, बीच में एक बार ऊपर भी देखा, और जब यौन करने के लिए अपना मुंह खोला तो उफ। बैठी ये छांव में थी और उस दिन बादल भी थे। जब थोड़ी देर के लिए बादल हटे और धूप इसके शरीर पे पड़ी तो इसकी खूबसूरती और निकल के आने लगी। ओ, ये योगा किया देखो, बाबा रामदेव का। अरे इसको आर्म्स आर्म्स देखो जो दिखा रही है। हाँ। क्या लग रहे हैं, क्या लग रही है, क्या लग रहे हैं आर्म्स। अभी तो बच्चा है तो ये हाल है, मतलब छोटी है। ये फुली ग्रोन है, ये फुली ग्रोन है। मीटिंग मीटिंग हो गई इसका। अच्छा हो गया मीटिंग, मीटिंग किससे हुआ? 121 हुआ। अच्छा 121 हो गया। इसके बच्चे देखें तो उसी के होंगे। मेल फीमेल को दोनों साथ में देख के ना असली डिफरेंस पता लगता है साइज का। हाँ। इतना बड़ा है ना तो इससे तो मेल बड़ा होता है, इससे तो बहुत बड़ा है। सांबर पे नजर है इसकी। काफी देर स्टॉक करने के बाद ये अपनी जगह से उठी, पर जब तक डियर के पास पहुंची सांबर हिरन ने कॉल लगा दी। सांबर पे नजर है, हंट करना चाह रही है ये। देख लिया उसने, देख लिया, आवाज लगा दी। अब जा रहा हूँ, अब चल देगी ये, किसको मालूम पड़ेगा। कॉल हो जाती है ना नॉर्मली, ये समझ जाती है कि इनको मालूम पड़ गया। हाँ।
ऊपर जा रही है। भागा सांबर, सांबर भागा। हाँ पूछ उठी हुई है। सांबर आवाज लगाते रहे, टाइग्रेस दूर जाती रही और कैंटर वहीं का वहीं खड़ा रहा। बोरी बोरी दिख रही है अभी भी, ऊपर है। जा रही है। तभी ये भी अभी देख के लगा रहा है। पूछ हिल रही है उसकी। मार्किंग कर रही है। वो जा रही है। ये भाग के जा रहा है चित्तल, चित्तल भाग के। डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, डिस्टेंस सांबर का इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया था। हाँ अगर पास होता तो वो पकड़ लेता, क्योंकि पहले तो नहीं देखा था सांबर। वॉच कर लिया तो किधर गई। हाँ ये अब देखो ना, चित्तल भी भाग रहे हैं इधर से उधर, सोच रहे हैं इधर आ रही है। हाँ रणथंभौर का हर एक टेरेन बहुत यूनिक है। इन पहाड़ियों पे बाघ को देखने के बाद ये सूखा सा जंगल भी हरा भरा लगने लगता है। ऐसे टेरेन में 70-80 बाघ का सरवाइव करना अपने आप में एक दिलचस्प बात है। और आज की शक्ति कप की इस साइटिंग के साथ हम आ गए जंगल की दुनिया को छोड़ शोर हल्ले की दुनिया में वापस। और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं शक्ति के इस फीमेल कप के कुछ शॉट्स।